डॉक्टर सतीश रेड्डी हमारे साथ है जो साइंटिफिक सलाहकार है रक्षा मंत्रालय को लेकर। सर बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक पर। भारत आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत जागरूक हो चुका है और बहुत जोर दे रहा है, तो रक्षा सहयोग जो है हमारा उसमें आत्मनिर्भरता की झलक जो हम देख रहे हैं वो आगे और कितनी बेहतर दिखाई। अभी जो है बहुत सारे सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप किए हैं, बहुत सारे सिस्टम में आत्मनिर्भर हुआ है अभी पिछले कई साल से उसके ऊपर काम करके। अभी मिसाइल्स का क्षेत्र में, रेडार्स का क्षेत्र में, सोनार्स का क्षेत्र में, टारपेडोज का क्षेत्र में, गन्स का क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में, एयरक्राफ्ट में देश अभी आत्मनिर्भर बन गया। अभी कुछ टेक्नोलॉजिकल गैप्स है हमारे देश में, लाइक एक एरो इंजन्स है, कुछ मटेरियल्स का है, कुछ कंपोनेंट्स का है, कुछ डिटेक्टर्स का है, सेंसर्स का है, ये हमने देश में बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा ये टेक्नोलॉजिकल गैप्स को हम क्लियर करना है। दूसरा, जो इंपोर्ट कर रहे हैं कंपोनेंट, सब सिस्टम, सिस्टम्स, ये भी देश में बनना है। इसका पूरा लिस्ट बनाया है, ये लिस्ट हमने वेबसाइट में डाल दिया है और स्टार्टअप्स, MSMEs, R&D ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को ये बनने के लिए कोशिश किया है। दूसरा, नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन पूछा है, अभी देश आगे बढ़ने के लिए देश, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी बताया था देश लीडर बनना है, इसके लिए हमने एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाया DRDO ने, उसमें काम चल रहा है और इंडस्ट्रीज के साथ बहुत चल रहे हैं, पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स में। अभी नया एरियाज है क्वांटम टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिस्टम्स, मटीरियल्स, एडवांस्ड मटीरियल्स, ऐसा बहुत सा ड्रोन बेस्ड सिस्टम, इसके ऊपर बहुत सारे काम चल रहे हैं। उनके लिए पूरा इंडस्ट्रीज को मदद देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में IDEX का प्रोग्राम है और DRDO में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा फंडिंग करके उनको मदद दे रहे हैं और जो लैबोरेटरीज हैं में उसमें टेस्टिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सपोर्ट दे रहे हैं। इसका वजह से अभी नया नया टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। अभी देखिए, भी समझना चाहेंगे, पहले बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होता था, हम बाहर से लेते थे सब कुछ, रशिया के अभी भी बहुत सारी चीजें हम लेते रहे, कलपुर्जों से लेकर छोटी चीजों से लेकर। अब उस लिहाज से जब हम निर्यात की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर बनने की बात करते हैं, तो वहाँ उस स्थिति में कैसे पहुंचा है भारत, क्या स्थिति है? अभी आपने दो चीज बताया, एक तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो पूरा इम्पोर्ट अभी बंद करके देश में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज। अभी LCA Mk1 के बाद सक्सेस होने के बाद अभी देश LCA Mk2 के लिए देख रहा है, 5th generation फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए देख रहा है। अभी हमारे पास वो मेल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सिस्टम अभी तक नहीं था, वो अभी देश में बनने का पूरा टेस्टिंग चल रहा है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन देश में बनाया। ऐसा जो इम्पोर्ट कर रहे थे अभी तक, अभी देश में ही बनाना है बोल के उनके ऊपर बहुत तेज से मिशन मोड में कार्यक्रम चल रहे हैं। एक्सपोर्ट को लेकर भारत क्या प्लान करता है, क्योंकि भारत को पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर बनना है, प्रधानमंत्री ने दोहराया। एक्सपोर्ट्स के लिए अभी काम शुरू हो गया है, एक्सपोर्टिंग के लिए बहुत सारे मार्केटिंग चल रहा है, एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसलिए पिछले साल में 13,000 से ज़्यादा इक्विपमेंट विदेशियों को हमने भारत एक्सपोर्ट किया है। अभी बहुत सारे और सिस्टम्स आ रहे हैं, बहुत सारे देशों से इंक्वायरीज आ रहे हैं, उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत सरल किया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी आ रहा है और इसके वजह से देश में जो संस्था है, देश में इंडस्ट्रीज है, ये एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत आसान होता है। उसके लिए बहुत सारे नया टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सिस्टम्स जो अट्रैक्ट करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट लोअर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत कर रहे हैं। कल ही बताया था माननीय प्रधानमंत्री जी, आगे आने वाला दिनों में 5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए कोशिश करने कर रहे हैं हमने। अभी हम रक्षा क्षेत्र में चीन के मुकाबले, रूस के मुकाबले कहाँ खड़े हैं? हमने भारत, मैं ये बता सकता हूँ, भारत और ये मिसाइल्स में, रेडार्स में, एयरक्राफ्ट में, ये सब क्षेत्र में हमने सेल्फ रिलायंट बन चुका है। हमारा सिस्टम्स एडवांस्ड सिस्टम्स है और हम किसी से कम नहीं हैं, हम पूरा दुनिया में वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टम्स बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वक्त की जरूरत के हिसाब से भारत खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये आप कह रहे हैं, क्योंकि आज के एरा में सारे जो युद्ध हैं जो हम देख रहे हैं इस समय यूक्रेन रूस में, कहीं ना कहीं तकनीक पर ही लड़े जा रहे हैं, तो तकनीक पर ये जो काम है इसमें फ्यूचर कितना ब्राइट आप देख रहे हैं?
इसीलिए वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वॉरफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं सीरियसली। अभी देखिए ड्रोन का बेस्ड टेक्नोलॉजी, हर एक चीज आप यूक्रेन वॉर में कहीं सुना है, ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम, ड्रोन बेस्ड वॉरफेयर, ड्रोन के ऊपर इधर देश में बहुत आगे से काम चल रहे हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज 100 से आगे इंडस्ट्रीज ड्रोन बेस्ड सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, वेराइटीज ऑफ सिस्टम्स। ऐसा नया टेक्नोलॉजी मैं बताया था, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, लेजर सिस्टम्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी, ये पूरा एडवांस्ड वॉरफेयर का टेक्नोलॉजीज है। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देके मिशन मोड में ये काम चल रहा है देश में। तो ये थे डॉक्टर सतीश रेड्डी जो बता रहे थे कि मिशन मोड में काम चल रहा है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहा है रक्षा मंत्रालय। यही वजह है कि तमाम जो चीजें वॉरफेयर के लिए जरूरी होती है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसे डेवलप किया जा रहा है, मिशन मोड में काम हो रहा है।